इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आज का हमारा टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल हैं उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस डेट कैन बी जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। एक सेल है, एक डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। या फिर यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी की सूरत में आपको दी जाएगी, पावर सप्लाई की सूरत में दी जाएगी और केमिकल रिएक्शन अकर इन इट, और इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल्स ऑलरेडी मौजूद है फिर केमिकल रिएक्शन। दिस डिवाइस आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप है। नंबर वन कौन सा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो कंज्यूम करेगा टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी बैटरी अब प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, फिर केमिकल रिएक्शन होगा, उस तरह के केमिकल, उस तरह के सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे, ठीक है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरी टाइप का हमारा जो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दे आर स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरेट करते हैं। यानी इसके अंदर स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। अब नेचर ऑफ केमिकल प्रोसेस क्या है, नेचर है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है, या केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ये दो पॉसिबिलिटी है। इसलिए दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो सकता है, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाए और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाए उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, केमिकल एनर्जी में, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रोसेस में होता है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इन विच केमिकल एनर्जी रिलीज बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, और इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाएगी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, चाहे वो गैल्वेनिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, आयंस अगर मौजूद हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर या फिर मोल्टन स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ठीक है। और अगर आयन कम मकदार में हो तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, कम है तो वीक कहलाया जाएगा, या फिर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। वो सारे के सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर उसको पिघली हुई हालत में अगर रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, राइट। अब स्ट्रॉन्ग, तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, जो फौरी तौर पे आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयन, यानी फौरी तौर पे वाटर में डालते ही वो डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, और कम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो आयन प्रोवाइड करे, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दे कैन बी इजली डिसोसिएट इन टू इट्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन।
या फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. यानी वाटर में डालेंगे तो कुछ हिस्सा डिजोल्व होगा, कुछ हिस्सा डिजोल्व नहीं होगा. आयंस बहुत कम मात्रा में डिसोसिएट होंगे या प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीट, ये कम्प्लीट आयोनाइज नहीं हो सकते. इसकी इसकी एग्जाम्पल क्या है, हो सकती है आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर प्रोड्यूस लेस आयन. अगर एसिटिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, बहुत कम आयन प्रोड्यूस होंगे. तो वो ये क्या है, एसिटिक एसिड क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर. अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसको वाटर में डिजोल्व करने पे वो डिजोल्व होंगे ही नहीं, और अगर डिजोल्व होते भी हैं तो उसके अंदर आयन फॉर्मेशन नहीं होगा. और ऐसा आमतौर पे किसमें होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होता है. ठीक है, ऊपर अभी हमने जो देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पर कौन से होते हैं, ये आयनिक होते हैं, सारे के सारे आयनिक बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा होती है. वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है या फिर उसके अंदर कोवेलेंट पोलर टाइप की बॉन्डिंग होगी. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे आयन में, बल्कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे. जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ग्लूकोज है, दे डू नॉट एबल टू डिसोसिएट इन टू आयंस, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर होता है. अच्छा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें, NaCl है. ठीक है, Na जो है Na प्लस में होता है, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे Cl क्या है, Cl माइनस में, यानी कैटाइन बन गया या एनाइन. जब चार्ज पार्टिकल हो गए तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, पॉजिटिव है कैटाइन है तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, और नेगेटिव है एनाइन है तो एनोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा. इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम कैटाइन और नेगेटिव चार्ज को एनाइन कहते हैं. अगर हम शुगर ले ले तो शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट नहीं होते, वो एज इट इज अपने आप को बरकरार रखते हैं. ठीक है, उनके मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते आयन में, क्योंकि नॉन पोलर है. ठीक है, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट अप इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो आमतौर पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं. दीज आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. इसी वजह से, क्योंकि ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं. सब का सच कंपाउंड आर रेफर टू इलेक्ट्रोलाइट. और इसी वजह से सारे आयनिक सब्सटेंस और कुछ जो है नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस टोटली जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करते हैं. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहले हमारी टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम किसको कहते हैं, एन केमिकल सेल. ठीक है, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैटरी अटैच है. ठीक है, इस बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, और इस वेसल के अंदर क्या है, ये इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के टैंक कहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर आयंस है. क्यों आयंस है, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व किया है. जो नेगेटिव है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन माइग्रेट करेंगे. नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा. कैटाइन जो है पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, एनाइन नेगेटिव होते हैं तो वो एनोड पे जाके डिपॉजिट होंगे. ठीक है, अब इसके डायग्राम देख लेते हैं. ये डायग्राम हमारे पास अच्छी तरह से, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. एक बीकर बनाए, उसके अंदर दो जो है आप कोई भी बार लगा दें, एक को एनोड कर दें, एक को कैथोड कर दें. बैटरी बनाए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एनोड कहलाएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाएगा. इसको साथ साथ लेबल करते रहे. अंदर जो है आप कोई भी सोल्यूशन मेंशन कर दे जिसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक स्टैंड के अंदर, और आपको आयन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव की डायरेक्शन आप कहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड पे, और नेगेटिव की डायरेक्शन कहाँ पे रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड पे रखेंगे. राइट, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए. आप इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ड्रॉ कर सकते हैं. लेबलिंग देख ले, बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल
एनोड है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एनोड टू कैथोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जो बीकर है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं और अंदर जो आइंस है वो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। होप सो कि अब आप ड्रॉ कर लेंगे आराम से। जो जो मेन चीजें हैं, बैटरी है, कैथोड है, एनोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव शो करना पड़ेगा, आइंस और उसकी माइग्रेशन उसका डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक शो करने का करना होगा और सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन में हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक एनोड और एक कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है, जो कि सस्पेंडेड होगा बीकर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट होगा। आपको नजर आ रहा होगा वायर की मदद से बैटरी से कनेक्ट होगा, राइट। जो पॉजिटिव है वो एनोड कहलाएगा, एनोड से अटैच किया जाएगा, जो नेगेटिव है वो कैथोड से अटैच किया जाएगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, एनोड पर होगी, राइट। और रिडक्शन कहाँ पर होगी, एट कैथोड, रिडक्शन यहाँ पे कैथोड पर होगी, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, जब हम बैटरी अटैच करेंगे तो होगा, इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे जो कंट्रोल किया जा सकता है उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है। दिस मे बी इरिवर्सिबल, मोस्टली ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, आपको पता है जो फ्लो ऑफ बताना पड़ा होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ बताना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल एट एनोड एंड एंटर द सेल एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा इस वायर के थ्रू, यहाँ पर आएगा और कहाँ पे डिपॉजिट जमा हो जाएगा, गैदर हो जाएगा कैथोड पे, गैदर हो जाएगा। अब नेट रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे जो है क्लोराइड आयन आएगा, दो क्लोराइड आयन मिलेंगे, क्लोरीन गैस बनेगी और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा, ये एनोड पे रिएक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन दो मिले हैं वो कहाँ पे गए, वो हमारे गए हैं वायर की सूरत थ्रू एनोड से कैथोड की तरफ। अब ये जब कैथोड पे आ गया, कैथोड पे क्या है, ये पॉजिटिव कैटाइन आके डिपॉजिट होगा, कैटाइन कौन सा है हमारा, सोडियम, सोडियम जो है दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गेन करेगा और किसमें हो जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आते हैं हम दूसरा, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, ठीक है। वोल्टा ने बताया बनाया था इसलिए इसको वोल्टाइक सेल, वोल्टिक सेल भी कहते हैं। अब ये इसके डायग्राम देख ले, आपको नजर आएगा दो वेसल में, ठीक है, एक वेसल में ऑक्सीडेशन होगी और एक में रिडक्शन होगी, और ये साइमल्टेनियस होता रहेगा और पॉलीट्रॉपिक होगा, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, और ये करेगा क्या, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड अ गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल। जो जो सेल के वो वाले सेल जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फौरी तौर पर जनरेट करते हैं उसको गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके डायग्राम देख लें, इस डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम पहले देख लेते हैं लेबलिंग, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने उसको बनाया। आपको दो वेसल नजर आ रहे होंगे, एक वेसल में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक में रिडक्शन हो रही है, और दोनों वेसल जो है वो आपस में मिले हुए किससे हैं, सॉल्ट ब्रिज की मदद से मिले, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग देख लेते हैं, जो जिंक की प्लेट है उसको वो कंसिडर हो रही है एनोड के तौर पर, और जो कॉपर की प्लेट है वो कंसिडर हो रही है कैथोड की सूरत में, ठीक है। इस वेसल के अंदर जिंक सल्फेट डाला हुआ है और इस वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, ठीक है। सिंक जो है मेट सॉलिड है, ये आयन आयन में कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यहाँ पे जिंक आयन आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये माइग्रेट होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये कैथोड पर आ जाएगा, यानी कॉपर प्लेट पर आ जाएगा। इस वेसल के अंदर ऑलरेडी कॉपर सल्फेट मौजूद है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, जिंक कॉपर का आयन गेन करेगा, जैसे कॉपर के आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ड्रॉ कर लेंगे। अब ये गैल्वानिक सेल की लेबलिंग और डायग्राम देख लें, यहाँ पे पहला वेसल है जो कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है,
जिंक को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो जिंक आयन और सल्फेट आयन बन जाएगा। सल्फेट नेगेटिव आयन है और जिंक पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये जो है जो क्या बनेगा, एनोड बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जिंक जो है मेटल से आयन में कन्वर्ट हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन फिजिकल वायर की सूरत में यहाँ से गुजरते हुए कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और वोल्ट मीटर से हम इसके मूवमेंट को नोट कर सकते हैं। दूसरा वेसल जो है जहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट डाला है, कॉपर को जब हमने एक्वस सोल्यूशन में बनाया तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन बन गया, ठीक है। ये कॉपर आयन इस वेसल के अंदर मौजूद है, जहां से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर यहाँ तक पहुंचेगा तो ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैथोड। जैसे ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, कॉपर जो है, कॉपर आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जाके इस कैथोड की जो प्लेट है उस पर जाके डिपॉजिट करेंगे। इस तरह रिडॉक्स रिएक्शन होता रहता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये साइमल्टेनियस होता रहता है। और साथ साथ क्या होता है इसमें, साथ साथ जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं और कैथोड में जाके डिपॉजिट होते हैं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कौन सा होता है, रिडक्शन का होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक जो है मेटल से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और कॉपर आयन जो है कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओके। अब अगले स्टेप में हम इस डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल वोल्ट के प्रिंसिपल देख रहे हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एक्चुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इस प्रोसेस के अंदर होता है। वर्किंग क्या है, जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडियली देन कॉपर। जिंक जो है वो हाईली ज्यादा जो है रिएक्टिव है किसके मुकाबले में, कॉपर के मुकाबले में। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एज जिंक एड इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से क्या होता है, जिंक के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, वो क्या करता है, वहां पे जिंक लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो कहाँ पे चला जाता है, कैथोड की तरफ माइग्रेट कर देता है। ये इसकी वर्किंग का पहला स्टेप है। कंस्ट्रक्शन जो है इसका क्या होता है, इट कंसिस्टिंग ऑफ टू सेल, इसके दो सेल ईच है, कॉल्ड एज हाफ सेल, कनेक्टेड एक्सटर्नली बाय सॉल्ट ब्रिज, और एक्सटर्नली सॉल्ट ब्रिज से अटैच होता है, ठीक है। हाफ सेल में एक में जो है 1 mm का सोल्यूशन हम डालते हैं, एक सॉल्ट का और दूसरे में दूसरे सॉल्ट का। जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया है, एनोड है, कैथोड है, उसी का सॉल्ट हमें डालना पड़ेगा। अगर हमने एनोड पे जिंक लिया है तो हमें जिंक का कोई सॉल्ट यानी जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा। अगर हमने कैथोड पे जो है कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई सॉल्ट डालना पड़ेगा। द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन 1 mm सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड द राइट हाफ सेल इस कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 mm कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब। आपने देखा कि यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब है, इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, और ये सॉलिड में होता है, सॉलिड होता है तो ये आयनाइज नहीं हो सकता। सपोर्टेड बाय जेली टाइप मटेरियल, द एंड ऑफ द यूट्यूब आर सील्ड विद अ पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल। किसी भी चीज से इसको पैक कर दिया जाता है, कॉटन वुड लग कॉटन या वुल से पैक कर दिया जाता है ताकि सिर्फ आयन माइग्रेट करें, बाकी सोल्यूशन इसके अंदर एंटर ना हो। द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, और ये एक तरह से पाथवे का काम करता है, यहाँ से आयन आसानी से माइग्रेट हो सकते हैं। अच्छा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, एनोड पे जिंक था, जिंक का एनोड था, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बना और दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज आयन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। खुद वो नेगेटिव था इसलिए उसके पर जाकर जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। कैथोड पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअली होता है, तो कॉपर आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज एंड रिड्यूस रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन टेक्स प्लेस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कॉपर। इस तरह जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन शो करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर जो है रिडक्शन शो करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन क्या होगा, जिंक मेटल प्लस कॉपर आयन कन्वर्टेड इंटू जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल, ये इनका कंप्लीट हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस। अब कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अच्छा, ये जो है बैटरी के साथ अटैच होता है और एक ही वेसल में होता है,
वन कंप्लीट सेल होता है, ये दो हाफ सेल में होता है और आपस में कनेक्ट होते हैं सॉल्ट ब्रिज में। ये तो इसका मेन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, एनोड हैज पॉजिटिवली चार्ज वाइल कैथोड आर नेगेटिव। ये तो एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बैटरी के टर्मिनल हमने पॉजिटिव से अटैच किया तो एनोड बन गया, नेगेटिव से अटैच किया तो कैथोड बन गया। जबकि यहाँ पे क्या है, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज वाइल कैथोड आर पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव इन नेचर है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और कैथोड पे कौन सा चार्ज आएगा, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव इन नेचर है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो इनके चार्ज का डिफरेंस हो गया, यानी आयन डिपोजिशन का डिफरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड की थी, किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे क्या है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमने दी है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की सूरत में, और वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में की सूरत में कन्वर्ट हो रही है। और लास्ट हमारा जो डिफरेंस है, करंट इज यूज हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है टेक्स प्लेस और स्पॉन्टेनियस हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो मेन डिफरेंस जो है वो वन वेसल और टू वेसल का है। यहाँ पे बैटरी अटैच की जा दी जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया होगा, आप ड्रॉ भी करने के काबिल होंगे और कंपेरिजन भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। थैंक यू।